विषय है परश मुनि। पुराण में एक कल्पित पत्थर का वर्णन है, जिसके स्पर्श से लोहा कुंदन बन जाता है, सोना बन जाता है। उस पत्थर को कहते हैं परशमणि। तो क्या सचमुच में ऐसा कोई पत्थर होता है? ये कल्पित, जिसे मिथिकल टच स्टोन, किंतु एक परशमणि अवश्य होती है और वे हैं गुरु सद्गुरु परमात्मा। और एक पौराणिक कथा हम सुनते हैं रामचरितमानस में, वो पौराणिक है लेकिन शिक्षाप्रद है, कि राम जब पार हो रहे थे तो उनके स्पर्श से नाव सोने में बदल गई और बहुत सी चीजें सोने में बदल गई। तो परमात्मा जब गुरु रूप में आविर्भूत होते हैं तो वे परशमणि होते हैं। इसका जो हमारे पुराने साधक हैं विभिन्न रूपों में उन्होंने अनुभव किया है। तो आप सबसे पहले इस परशमणि से संबंधित एक प्रभात संगीत सुनिए। पहले तुम्ही आमार सौ पेज परशमणि। शब्द पेची परशमणि शांति।
আমার সব পেয়েছিল পরশমণি, তুমি মেরি সব পেয়েছিল সর্ব প্রয়োজনীয় পরশমণি, মেরে जो भी प्रयोजन है तुम्हारे स्पर्श से वे सब पूरे हो जाते हैं। तुच्छ के हो तुम्हारो छुआ सोनार ढेले तुले आने कि एक तुच्छ भी, तुच्छ कहते हैं ना, कोई कोई कहता अरे मैं तो बहुत तुच्छ व्यक्ति, तो एक तुच्छ भी, तुच्छ व्यक्ति भी तुम्हार छुआया तुम्हारे स्पर्श से स्वर्ण के समान सोने के समान चमक उठता है। निदाग दाहे क्लांति हारा तुम सूर्य की तपती गर्मी जिसको कहते हैं दाह दाहे उस तपती गर्मी में तुम क्लांति हारा मेरी सब क्लांति हरण कर लेते हो, सुखे दुखे शांति भरा। और जब मेरे ऊपर सुख और दुख आते हैं तो तुम शांति प्रदान करते, अर्थात
मेरे जीवन में जब कभी भी संघर्ष का तूफान आया, संघर्ष का झुलस आया, उन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, सुख दुख में भी मनुष्य को गुरु को नहीं भूलना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये जो गुरु हैं, परमात्मा हैं, परमात्मा रूपी गुरु हैं, ये बिना श्रद्धा और भक्ति के नहीं उतरते हैं। कहते हैं आगे इसमें, मैं वृथाई मिथ्याई बेकार में देश विदेश अर्थात जहां तहां तुम्हें खोज रहा हूं, लेकिन तुम तो मेरे हाथ के पास अर्थात मेरे साथ ही रहते हो। और एक अपना अनुभव बताता है भक्त कि जब मैं तुमको अपने से दूर मानता हूं और मैं तुमसे दूर हो जाता हूं तो देखता हूं कि षड ऋतु और अष्टपास काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य घृणा शंका लज्जा भय कुलमानशील जुगुप्सा इत्यादि मुझे घेर लेते हैं, मुझे बांध देते हैं। इसलिए अब देखेंगे जो लोग ईश्वरोन्मुखी नहीं होते हैं उनका मन क्रूर होता है, और जब मन को ईश्वर भक्ति में गुरु की कृपा से लगा देते हैं तो ये जो बंधन है, पाश है, ये दूर हो जाते हैं। एक घटना सुनाता हूं, ये प्रारंभिक दिनों की बात है जमालपुर में, जब बाबा जमालपुर में रहते थे और हमारी जो भी इतनी सुंदर जागृति है ऐसा तो कुछ भी नहीं था, छोटा रूम था। बाबा आते थे घर से और मार्गी लोग रहते थे, तो उस समय में बाबा बहुत डिमोन्स्ट्रेशन देते थे। तो एक बार की बात है कि बाबा आए, कुछ साधक लोग बाबा के रूप में बैठे थे, बाबा एक थोड़ा सा प्रवचन दिए और बाबा फिर बोले तो बाबा बोले एक युवक था, उस युवक को बाबा कहे तुम खड़े हो जाओ और आचार्य दशरथ जी थे उन्हीं पर ज्यादा डिमोन्स्ट्रेशन देते थे बाबा। तो बाबा कहते हैं दशरथ तुम मन कंसंट्रेट करो, एकाग्र करो और भीतर जाओ, ध्यान में जाओ। तो दशरथ जी वैसा ही करने लगे, उन्होंने आंख बंद की और वे ध्यान में करने लगे। तो बाबा बोलते हैं अच्छा देखो बताओ ये जो लड़का है इसके वृत्ति पीठ का रंग कैसा है, इसका वृत्ति पीठ कैसा है, उसका कैसा कलर है। तो दशरथ जी और भीतर गए ध्यान में
तो वे देखते हैं और कहते हैं बाबा इसका वृत्ति पीठ काला है। तो बाबा बोले हाँ ठीक बोलते। फिर बाबा बोलते हैं अच्छा दशरथ देखो और बताओ कि यदि इस लड़के की अभी मृत्यु हो जाए, हठात मृत्यु हो जाए, तो ये कौन सा देह धारण करेगा मृत्यु के बाद? तो दशरथ जी और गहराई में गए और बोले बाबा ये खिड़की, खिड़की माने लोमड़ी, खिड़की का देह धारण करेगा, उस जन्म में आएगा। बाबले एकदम ठीक बोलते हो, क्योंकि इस लड़के में कपट वृत्ति की अधिकता है। कपट वृत्ति होती है ना लोमड़ी, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते थे ना स्लाई फॉक्स, चालाक लोमड़ी, तो इसमें उसमें कपट वृत्ति होती है। तो इसलिए उस कपट वृत्ति के कारण उसकी अधिकता है, यह लोमड़ी का जीवन धारण करे। बाबा बोले ठीक है। इसके बाद बाबा उस लड़के को अपने पास बुलाए और उसके बाबा गाल थपथपा दिए, उसको टच कर दिए, थपथपा दिए, और फिर बोले दशरथ अब बताओ तो उसका वृत्ति पीठ कैसा है। तो दशरथ जी तो थे ही पहले से ध्यान में, वो कहते हैं बाबा अब इसका वृत्ति पीठ सादा सफेद व्हाइट हो गया। तो बाबा कहते हैं हाँ जी सदगुरु के स्पर्श से ऐसा ही हो जाता है। इसके बाद बाबा बोले उस बच्चे को, लड़के को, युवक है जी, अच्छा लड़का है, साधना करेगा, ध्यान करेगा, भजन कीर्तन करेगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, साधना करो, ध्यान करो, भजन कीर्तन करो, भक्ति करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। तो देखिए गुरु के स्पर्श से उसके मन की जो कालिमा थी, जो वृत्ति थी, स्पर्श मात्र से हो गई। तो इसको कहते हैं शक्ति संपात। गुरु ने, लड़का भक्त था, क्योंकि आप जानते हैं गुरु जो भक्त नहीं है तो उसी पर अपनी कृपा करते हैं जो भक्त है। लड़का भक्त था तो वाज ए ग्रेट डिवोटी। तो इसलिए तंत्र शास्त्र में एक जगह कहा गया है दर्शनात् स्पर्शात्, दर्शनात् शब्दात् स्पर्शात्, कृपया शिष्य देह के जनयेद जह समावेशम शांभवम सौही देशिक। गुरु वही हो सकते हैं जिनके दर्शन से, दर्शन मात्र से, जिनके शब्दार्थ, शब्दों से, वचन से, स्पर्शार्थ, जिनके स्पर्श से
तो गुरु कौन है? जो अपने दर्शन से, शब्दों से, स्पर्श से शिष्य की देह में शिव भाव जनरेट कर देते हैं, शिव भाव उत्पन्न कर देते हैं, वे ही गुरु होते हैं। ये तो मैंने एक घटना बताई, उस समय तो बाबा नित्य प्रति यही सब डिमोन्स्ट्रेशन दिखाते रहते हैं। टच कर देते थे त्रिकुटी तो लोग समाधि में चले जाते थे। ऐसा ही उस समय में बाबा माहौल बना रखे थे। तो गुरु ही वास्तव में परश मणि होते हैं, और कोई ऐसी चीज नहीं है, परश मणि नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसलिए जिन भक्तों को उनके स्पर्श का, दर्शन का, शब्दों का अनुभूति होती है तो वो गाता है। क्या गाता है देखिए, सुनिए प्रभा संगीत। Thank you.
अनुभूति प्राप्त भक्त, तुम परशमणि हो, तुमार परशे कणों को उज्ज्वल मौन, अर्थात तुम्हारे स्पर्श, तुमार परशे तुम्हारे स्पर्श से जो मन है वो कनक उज्ज्वल अर्थात सोने के जैसा उज्ज्वल हो जाता है। और ये कनकोज्ज्वल मन स्वर्ण रंजित मन तुम्हारे स्पर्श से फिर क्या होता है, चले धारा बे अर्थात ये धारा के साथ उस धारा में बहता हुआ चला जाता। क्या अर्थ हुआ इसका कि तुम्हारे परम पुरुष के भाव में तुम्हारे स्पर्श से मन कनक के जैसा उज्ज्वल हो उठता है और फिर वह परम पुरुष के भाव में ब्राह्मी भाव में जैसे नदी की धारा है बह रही है फूल बहता जा रहा है तो उसी प्रकार से मन उस धारा में सतत कंटिन्यूअसली उस भाव में बहता जाता है बहता है। तो साधना में बहुत लोग देखते हैं जब करते हैं तो क्या होता है, शुद्धियां करते हैं इसके बाद मन जो है संस्कार अनुसार इधर उधर भागता है लेकिन साधना की लगन से आता है और फिर क्या होता है, मन उस आनंद रूपी ब्रह्म के भाव में बहता चला जाता है, आनंद को प्राप्त करता है और फिर क्या होता है, उसकी आंखों से अश्रु निकलते हैं। वे अश्रु इस साइड से नीचे बहते हैं। इसी को कबीरदास ने कहा ना, बरसे कंबल भीगे पानी, सुनो कबीर की उल्टी वाणी। कबीर कह रहे हैं कंबल बरस रहा है और पानी भीग रहा है, ये कबीर की कैसी उल्टी वाणी है।
इसका मतलब हुआ, कभी क्या कहना चाहते हैं, कंबल को माने जल, तो पुराने बहुत पुराने जमाने में जब कबीर दास थे तो छाता ये सब ज्यादा नहीं होते थे, तो लोग क्या करते थे, जो भेड़ का कंबल होता है ना काला या सफेद, उसको ऐसे बना लेते थे और ढक लेते थे शरीर को, बाहर निकलते थे, वर्षा हो रही है कंबल पे पानी गिर रहा नीचे जा रहा, लेकिन कभी कहते हैं बरसे कंबल, कंबल बरस रहा, भीगे पानी, अर्थात इसका मतलब है कि साधक बैठा है ध्यान में, उनके भाव में बैठा है, हाथ ऐसे हैं, और इस साइड से आनंद जो अश्रु निकलते हैं उनको कहते हैं आनंदाश्रु, कुछ होते हैं शोकाश्रु जो बीच से निकलते हैं, कुछ होते हैं इससे निकलते हैं। तो कबीरदास ध्यान में बैठा है और उसके आनंदाश्रु टपक रहे हैं, कहां, हथेली पर, हथेली भीग गई उसकी, तो पानी, पानी माने पानी, हाथ उसके भीग रहे हैं बैठा, तो आनंदाश्रु यही है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि जिसकी आंखों में ईश्वर प्रेम के लिए, ईश्वर के लिए दो आंसू आ गए, उसको ईश्वर उसी समय मिल गए। तो ये बिना गुरु के संभव नहीं है। रामकृष्ण परमहंस कितने उच्च कोटि के साधक हुए, परमहंस की उनको उपाधि मिली, हंस माने आत्मा, परमात्मा, परमहंस उनकी उपाधि मिली, लेकिन पहले वो उनको जन्मजात से भक्ति तो बहुत थी लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा था, तो उनके भाई मंदिर में कुछ पुजारी जारी थे, उन्हीं के साथ में वो भी रहते थे, गदाधर चट्टोपाध्याय दक्षिणेश्वर में, तो वहीं पर वो काली का पूजा करते थे, काली की भक्ति करते थे, तो उनको भक्ति इतनी थी कि ईश्वर के लिए रोते रहते थे हमेशा, और कहते थे मां आज भी दर्शन नहीं दिए, आज भी दर्शन नहीं दिए, मां आज भी दर्शन नहीं दिए। तो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ हिज डिवोशन, उसकी उस भक्ति की शक्ति के आधार पर उनको गुरु मिल गए, और गुरु थे उनके तोतापुरी। तो इसलिए आनंद मार्ग दर्शन में स्पष्ट किया गया है, मुक्ति आकांक्षा सदगुरु प्राप्ति। जब किसी के ईश्वर के लिए इतना अत्यधिक प्रेम हो जाता है, इतनी अत्यधिक भक्ति आ जाती है, तो घर बैठे ही कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, उनको गुरु मिल जाते हैं। तो उनको तोतापुरी मिले, तोतापुरी ने उनको मंत्र की दीक्षा दी और उनको बताया ऐसे ऐसे करना, मन को एकाग्र, यहां करना है, यहां करना है, ऐसे करना है, जो तंत्र सम्मत साधना है जिसको हम कहते हैं कल्ट, क्योंकि तोतापुरी स्वयं तंत्र साधक थे और उच्च कोटि के साधक हो गए, उनको बहुत शक्तियां थी, तो उन्होंने बताया ऐसा करो। लेकिन रामकृष्ण परमहंस का
जो है जो उन्होंने जो उस भाव में वो नहीं जाते थे, जो मंत्र जो उनको दिया था वो चले जाते थे काली के भाव में, उनको साधना नहीं होती थी। तो बहुत दिन के बाद में जब तोतापुरी फिर आए तो उन्होंने बताया तो नहीं होती है मेरा कंसंट्रेशन, मन एकाग्र नहीं होता है, मंत्र के भाव में तो मन जाता नहीं है और काली का चित्र आ जाता है मेंटल प्लेट पर। तो उन्होंने तो तोतापुरी कहते हैं ठीक है बैठो मेरे सामने। तो वो साधना में बैठते हैं, साधना में बैठते हैं तो बैठने के बाद में उनका मन वैसे ही भटक रहा है तो वो बोल रहे हैं कि नहीं हो रहा, ये कांच का टुकड़ा था उन्होंने उनके यहाँ पर आज्ञा चक्र पर त्रिकुट पर ऐसे करके जोर से उसको दबाया, अरे यहाँ करो तो, और अपना शक्ति संपाद किया, अपना विल फोर्स लगाया गुरु ने। तो क्या हुआ जानते हैं, वो जो गुरु की वो जो तोतापुरी की जो स्पर्श मणि के रूप में जो स्पर्श था तो रामकृष्ण परमहंस 3 दिन तक समाधिस्थ रहे। तो उनका संस्कार था ऐसा, प्रॉपर साधना विधि नहीं मिल रही थी। और फिर कहते हैं कि वे अपने गुरु से भी आगे निकल गए। तो हमेशा याद रखेंगे दो बार, पहले गाने में जो अभी गया प्रभात संगीत कि प्रतिकूल अवस्थाओं में संघर्ष का जब झुलस आ जाए, सुख दुख की बाढ़ आ जाए तो हृदय से गुरु को याद करो। और दूसरे गाने में कहा कि साधना करो, आप जानते हैं कि स्पर्श चक्रों पर गुरु चाहे वो व्यक्त हो या अव्यक्त हो स्पर्श की अनुभूति होती है, इसलिए गुरु ही परश बने हैं, ये हमेशा याद रखना चाहिए। गुरु रे वो सर्वम, तंत्र में कहा गया है कि गुरु ही सब कुछ होते हैं। तो यही था हमारा आज का विषय परश मनी।